आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में 2 अक्टूबर से चलाए जा रहे विधिक साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम का रविवार को दीवानी न्यायालय परिसर से प्रभात फेरी निकालकर समापन किया गया। आपको बता दें कि जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने 2 अक्टूबर से चलाए जा रहे विधिक जागरूकता अभियान के तहत समापन अवसर पर जन जागरूकता रैली कैब को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह प्रभात फेरी बेतिहाता, शास्त्री चौक, गणेश चौराहा, छात्र संघ चौराहा होते हुए दीवानी न्यायालय में समाप्त हुआ, जिसके संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने बताया कि 2 अक्टूबर से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जागरूकता कार्यक्रम पूरे जनपद में चलाया गया, जिसका समापन 14 नवंबर को बाल दिवस पर प्रभात फेरी निकालकर किया गया तथा आम जनमानस को विधिक सेवा के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी, एडीजे संतोष कुमार गौतम, सेंट्रल न्यूज डिग्री कॉलेज के छात्र सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने कहा,
ये आज जो रैली है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आज़ादी का अमृत महोत्सव जो 2 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 14 नवंबर 2021 तक चला है, उसमें आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर ये विविध कार्यक्रम का समारोह आयोजित किया जा रहा है। और ये आज 14 नवंबर को बाल दिवस के अवसर पर और ये विधिक जागरूकता व सलाह का कार्यक्रम के समापन के अवसर पर ये प्रभात फेरी का आयोजन किया गया है, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के तख्तियों के द्वारा ये जनमानस को ये जागरूक किए जाने के प्रयास के तहत ही प्रभात फेरी का आयोजन किया गया है, जो के विभिन्न चौराहों से होते हुए कार्यक्रम था, जिसमें कि सर्वप्रथम जनपद न्यायालय के प्रांगण से शुरू होकर और ये बेतिहाता चौराहा, गोलघर चौराहा, आगे यूनिवर्सिटी चौराहा से होते हुए पुनः यहाँ जनपद न्यायालय में समाप्त हुआ। कितने लोग होंगे इसमें? अधिकतर जो है न्यायिक सेवा के अधिकारी, कर्मचारी, PLB और सेंट एंड न्यूज़ के विद्यार्थी, जन सामान्य आदि सब रैली में सहभाग किए, जिसमें माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के नेतृत्व में ये रैली निकाली गई, जिसमें कि सेंट एंड न्यूज़ के छात्र और न्यायिक अधिकारीगण, प्रशासनिक कर्मचारी, न्यायालय के कर्मचारी, पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी और जन सामान्य आदि जो है और PLB, इन सब की एक विशाल रैली का के द्वारा ये प्रभात फेरी का आयोजन कराया गया।